नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है पाठशाला आईएएस एकेडमी के नए यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं और सबसे पहले हमने जिम्मा उठाया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा का। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है एमपीपीएससी मेंस 2020 का एग्जाम देने वाले चुनिंदा छात्रों के लिए है। चुनिंदा इसलिए है क्योंकि गिने चुने वही 7-8 हजार जो लोग हैं वो मेंस देंगे। तो ये क्लास है उनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पर। तो हम इसमें देखेंगे कि हमें उत्तर लेखन किस तरीके से करना चाहिए। काफी नए छात्र जिन्होंने अभी तक कोई भी मेंस नहीं दिया है, उन लोगों को कुछ बुनियादी बातें पता होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा वो अपने इस अटेम्प्ट को मिस कर जाएंगे। तो वो जो बुनियादी बातें हैं, आप जानते हैं सिलेबस बदला है, आंसर राइटिंग का पैटर्न भी बदला है, तो उस पैटर्न के अनुसार हम तैयारी कैसे करें, ये चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ आज कि पैटर्न के अनुसार तैयारी आप कैसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं। रवि कटारे जी नमस्ते। तो एक एक बारीक चीज को मैं आपके सामने ला रहा हूँ और मुख्य रूप से उसी पद्धति पर ला रहा हूँ जो पद्धति मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है वो आपसे चाहता क्या है, उसकी डिमांड क्या है। तो उस डिमांड को पहले हमें समझना पड़ेगा। तो आप इतना जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है वो परीक्षा में आपसे मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रश्न पूछने जा रहा है, जैसा कि वो पहले भी पूछता रहा है। मतलब प्रश्नों की प्रकृति आपको पहले से पता है कि 3 प्रकार के प्रश्न होंगे, ठीक है। और ये प्रश्न किस कैटेगरी के होंगे, कुल मिलाकर अति लघु प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो हमें जो अपनी आंसर राइटिंग लेकर चलनी है वो मुख्य रूप से इसी के इर्द गिर्द लेकर चलनी है, ठीक है। तो मतलब आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अति लघु उत्तरी प्रश्नों को आपके द्वारा कैसे लिखा जाना चाहिए, लघु उत्तरी प्रश्नों को कैसे लिखा जाना चाहिए और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को कैसे लिखा जाना चाहिए। क्योंकि इस साल पैटर्न बदला है तो लिखने का तरीका भी बदलेगा और साथ ही साथ शब्द सीमा भी बदलेगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आयोग ने कुछ नहीं बताया, सिर्फ एक लाइन आपको बताई है उत्तर लेखन के बारे में। उसी एक लाइन को आधार बनाकर हम समझेंगे कि हमें उत्तर लेखन कैसे करना चाहिए। तो एक एक चीज पर बहुत बारीकी से नजर डाली गई है, ध्यान देना। सबसे पहले हम बात करेंगे अति लघु उत्तरी प्रश्नों की, किसकी, वेरी शॉर्ट आंसर्स की। तो अति लघु उत्तरी प्रश्न आपसे जो पूछे जाएंगे, आयोग ने सिर्फ एक बात कही है इसके संदर्भ में, ध्यान रखना, सिर्फ एक लाइन कही है कि इसका उत्तर आपको या तो एक पंक्ति में देना है और या फिर 10 शब्द में देना है, समझ रहे हैं। सिर्फ ये कहा है, इसके अलावा कुछ भी आयोग ने नहीं कहा है। क्या कहा है, या तो आप इसका आंसर एक पंक्ति में दें और या 10 शब्द में दें। अब इसके बाद आता है एजम्पशन, अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार का एजम्पशन इस जो लाइन का निकालेंगे। कहने का मतलब, निर्देश को पढ़ने के बाद अगर हम इसका संभावित अर्थ निकालें तो वो क्या निकल सकता है, अर्थ 2-3 निकलेंगे। पहली चीज, आपको उत्तर के लिए एक ही पंक्ति कॉपी में दी जाएगी, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक ही पंक्ति जो है उनको उत्तर लिखने के लिए दी जाएगी, और कुछ लोग सोच रहे होंगे उत्तर लिखने के लिए एक से अधिक पंक्ति दी जाएंगी और संभवतः ये पंक्ति उतनी ही होंगी जितनी अभी तक दी जाती रही है। कहने का मतलब, आपको अति लघु उत्तरी प्रश्नों में 3 लाइन मिलेंगी। कितनी लाइन मिलेंगी, 3 लाइन लिखने के लिए मिलेंगी। मतलब 3 लाइन मिलेंगी जिसमें आप या तो 1 लाइन में उत्तर दे दीजिए या फिर 10 शब्द में उत्तर दे दीजिए। तो ये आपके पास विकल्प हो सकते हैं। तो आपने समझ लिया कि आयोग ने क्या कहा आपसे, सिर्फ कहा कि एक पंक्ति में उत्तर लिखिए या 10 शब्द में। आपके दिमाग में क्या फिट है, क्या पीछे के दिमाग में क्या फिट है कि या तो एक ही पंक्ति आएगी लिखने के लिए या फिर 3 पंक्ति आएंगी पहले की तरह। अब ध्यान दें, जो मैं अपना तरीका बताता हूँ, मेरा 100% यकीन है कि अति लघु उत्तरी प्रश्नों में 3 पंक्तियां आपको दी जाएंगी। ध्यान रखें, 3 पंक्तियां इसलिए नहीं दिया नहीं कि आप भर दें पूरी की पूरी। अब यही हमें समझना है कि वो 3 पंक्तियों का हमें करना क्या है, क्या 3 पंक्तियों में हमें पूरा लिख देना है, बिल्कुल नहीं, ये गलती नहीं करनी है। तो
तो अब आपको क्या करना है अतिल अवस्थी प्रश्नों में, ये आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। और ये बात जिसने समझ ली वो बेहतर ढंग से उत्तर लेखन कर पाएगा, ठीक। तो जितने भी लोग लाइव हैं प्लीज कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। तो पहली चीज समझे कि आपको क्या करना है, तो आपको पहले प्रश्न की प्रकृति के अनुसार तय करना है कि एक ही पंक्ति में हमें आंसर लिखना है या तीनों पंक्तियों में 10 शब्द लिखने हैं। मतलब अति लघुत्तरी प्रश्न लिखते समय आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर, मतलब इस प्रश्न की नेचर क्या है, क्या से एक पंक्ति में खत्म किया जा सकता है, और अगर एक पंक्ति में खत्म नहीं हो सकता तो क्या तीनों पंक्तियों में हम लिख सकते हैं, और वो भी कितनी सीमा में, सिर्फ 10 शब्द में। ये नहीं कि तीन लाइनों में आपने लिख दिए 25 शब्द तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो गाइडलाइन के अनुसार है ही नहीं, ठीक है। अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक पंक्ति लिखनी है कि 10 शब्द लिखने हैं। अब देखिए जो अति लघुत्तरी प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों में आप ध्यान रखें कई परिभाषाएं आती है, मतलब कुछ परिभाषिक शब्द आते हैं और उन परिभाषिक शब्दों के आधार पर तय होता है कि हम उसमें एक पंक्ति लिखेंगे, ठीक है। आपको कई परिभाषाएं पूछी जाती हैं, कॉन्सेप्ट पूछा जाता है एक लाइन में, तो वहां पर ध्यान रखें आपको तीनों लाइनें नहीं भरनी है, सिर्फ एक लाइन लिखनी है, एक ही पंक्ति में बहुत ही क्वालिटी वाला मटेरियल लिख दीजिए, उसकी डेफिनेशन लिख दीजिए। तो मुख्य रूप से ऐसे जो प्रश्न होंगे मुख्य रूप से परिभाषा पर आधारित होंगे, जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं उस पर आधारित ये प्रश्न होंगे। तो आपको जैसे डेफिनेशन आ रही है आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि इसका उत्तर हमें एक लाइन में ही देना है। अगर आप उसमें तीन लाइन में लिखने का प्रयास करेंगे तो यकीन रखें कोई विशेष मतलब नहीं होगा, ठीक। इसके बाद ध्यान रखें अगर प्रश्न परिभाषिक ना होकर ज्ञान संग्रह की मांग करता है तो तीनों लाइन में तीन चार शब्द पॉइंट के रूप में लिखे जा सकते हैं। कहने का मतलब वो कोई एक परिभाषिक शब्द नहीं है, ठीक है, उसमें परिभाषा नहीं पूछी है, बल्कि उसमें आपसे पूछा है फैक्ट। तो आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसमें तीन, जो तीन लाइनें दी गई हैं हर लाइन में तीन तीन चार चार शब्द पॉइंट के रूप में लिख दें और इस तरीके से 10 शब्द को कंप्लीट कर दें। लाइन आपने तीन घेरी लेकिन शब्द लगभग कितने रहे, वही 10 से 12 शब्द हुए। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। क्या समझे कि परिभाषिक शब्द है, एक लाइन में खत्म कीजिए आंसर को, लेकिन अगर वो प्रश्न ऐसी नेचर के हैं जिसमें फैक्ट आना जरूरी है, तीन चार फैक्ट आने हैं, तो फिर आप तीनों लाइनों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं इतिहास की कोई शब्दावली आपसे पूछी तो आप इसमें लिख सकते हैं तीनों लाइनों में। आपसे किसी चीज का कारण पूछा, जैसे कि लिखा जलवायु परिवर्तन का कारण, तो बस एक लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप तीनों लाइनें लिखिए शब्द सीमा में, ठीक है। पहला पॉइंट बना के, दूसरा बना के, तीसरा बना के, किसी का प्रभाव पूछा, किसी का समाधान पूछा, कोई सुझाव आपसे पूछा गया है, तो कुल मिलाकर आप अति लघुत्तरी प्रश्नों की तीनों लाइनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। फिर ध्यान रखें हो सकता है प्रश्न की प्रकृति कुछ अलग टाइप की हो, मतलब प्रश्न की प्रकृति थोड़ी सी बड़ी हो, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखें आप उस तीन नंबर के प्रश्न में फ्लो चार्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, और फ्लो चार्ट में आप 10 शब्दों में बेहतर रूप से तीनों लाइनों का प्रयोग करते हुए अपने उत्तर को बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए, अगर प्रश्न कभी कभी क्या होता है तीन नंबर का प्रश्न होता है लेकिन उसकी नेचर बहुत बड़ी होती है, तो ऐसी स्थिति में हमें ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। फिर अगली चीज एक और ध्यान दें कि जो हमने पहले भी देखी है कि जो अति लघुत्तरी प्रश्न जो आते हैं वो एक पेज पर लगभग 5 होते हैं। कितने होते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न, एक पेज पर इनकी संख्या 5 होती है, ठीक है। तो इसके लिए पहले से ही आपके दिमाग में एक फॉर्मेट रहना चाहिए कि एक पेज में हम 5 प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे हैं। और एक और चीज ध्यान रखें, अति लघुत्तरी प्रश्न में कभी भी गलती से पैराग्राफ वगैरह का प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना है। इसके बाद ध्यान रखें आपको अपने उसमें आंसर में प्रयोग क्या करना है, अगर हो सके तो कॉमा का प्रयोग करते हुए ज्यादा से ज्यादा तथ्यों को समाहित कीजिए, क्योंकि कॉमा के माध्यम से ही आप ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड का प्रयोग करते हुए बेहतर आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें ऐसा तभी करें
जब प्रश्न की डिमांड हो। और ये कहना बहुत आसान है कि प्रश्न की डिमांड के अनुसार, इसके लिए पहले आपको लिखना होता है कुछ दिन तक, तब आपको सही से समझ में आता है, क्योंकि आंसर राइटिंग कहने से नहीं होती है, इसके लिए हमें वर्क करना होता है। तो ये काम जब आप करोगे तभी आप समझ पाओगे। तो ये जो बातें हैं, 6-7 बातें हैं, ये अति लघुकरी प्रश्नों के लिए बिल्कुल सत्य है। अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आप बेहतर रूप से उत्तर लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद आ जाइए आप लघुत्तरी प्रश्नों की तरफ। तो ध्यान रखें, लघुत्तरी प्रश्नों में आयोग ने कहा है कि आयोग का निर्देश है कि ये जो उत्तर लिखे जाने हैं वो या तो आपको 50 शब्दों में लिखने हैं, कितने शब्दों में, 50 में, और या फिर 5-6 पंक्ति में लिखने हैं। कुल मिलाकर ये लिखा है आयोग ने और इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है। मतलब इसका हम जो अर्थ निकाल सकते हैं, सोच सकते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब होगा या तो उत्तर में आपको सिर्फ 5-6 पंक्तियां ही लिखने के लिए दी जाएंगी, उसके बाद कोई भी स्पेस नहीं होगा। कुछ लोग ये समझ रहे होंगे, ठीक है। दूसरी चीज हो सकता है एक पेज पर 2 प्रश्न दिए हों और कुल मिलाकर आधे आधे पेज पर आपको वो प्रश्न करने हों, ऐसा भी हो सकता है। और तीसरा हो सकता है कि पूरा का पूरा पेज उसी प्रश्न के लिए हो, ध्यान रखें, लेकिन पेज के पूरे भाग में लाइन ना खींचकर सिर्फ 75% भाग तक लाइन खींची हो। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि उतनी लाइनें हो जाएंगी जितनी की पूछी गई है। तो यहाँ पर सिर्फ लिखा यह है अति लघुत्तरी प्रश्नों के लिए कि 50 शब्दों में आंसर देना या 5-6 पंक्तियों में। तो इसका मतलब हम निकाल सकते हैं कि या तो आपको सिर्फ 5-6 पंक्ति ही मिलेंगी, या फिर आपको एक पेज पर 2 प्रश्न मिलेंगे, और या फिर एक पूरा पेज मिलेगा जिस पर पंक्तियां लिमिटेड मात्रा में ही खींची होंगी। हम बोल सकते हैं 60-70% भाग पर ही पंक्तियां लिखी होंगी। अब आपको इन सभी स्थिति के लिए पहले से ही तैयार होकर चलना है, ठीक है। तो इन स्थितियों के लिए आप पहले से तैयार कैसे होंगे, तो पहली चीज ध्यान रखें आपको अब क्या करना है इन प्रश्नों में। तो पहली चीज ध्यान रखें कि आपके पास, कुछ लोगों का मानना होता है कि इसमें हम क्या करेंगे, ज्यादा चीजें लिखनी है तो हम फ्लोचार्ट बनाते हुए चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान रखें ऐसे प्रश्नों में जो लघुत्तरी प्रश्न है उसमें पूरी तरीके से फ्लोचार्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें कि आप सिर्फ फ्लोचार्ट बनाकर आ गए, ये बहुत ही गलत शैली मानी जाती है, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आप खुद सोचिए कि आपको 50 शब्द लिखना है, 50 शब्द का ही आपने फ्लोचार्ट बना लिया, वो किस तरीके का फ्लोचार्ट लगेगा, आप खुद सोचिए कितना बड़ा फ्लोचार्ट हो जाएगा। दिव्यांशी डांगी कह रही वीडियो गड़बड़ हो रही, क्या दिक्कत आ रही है वीडियो में, थोड़ी स्ट्रीमिंग हो सकता है अपलोड के बाद वो सही तरीके से अपलोड हो जाए। अभी इसको कंटिन्यू करते हैं फिर देखते हैं, अपलोड होने के बाद हो सकता है उसकी स्पीड सही आ जाए। तो 50 शब्द का फ्लो चार्ट जो है आपको तैयार नहीं करना है। आप ध्यान रखें पूरे के पूरे लघुत्तरी प्रश्न में आपको फ्लो चार्ट नहीं बनाना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको ध्यान दें आपको इसमें थ्योरी तो लिखनी ही लिखनी है, साथ ही साथ अगर आप में क्षमता है तो आप एक छोटा सा चार्ट, ध्यान रखें पूरा चार्ट नहीं, टोटली आंसर में कोई चित्र कोई मानचित्र का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब थ्योरी तो आपको लिखनी ही चाहिए थोड़ी बहुत, अगर आप थ्योरी नहीं लिखेंगे तो ये बहुत ही गलत इंप्रेशन होगा। इसके बाद एक और चीज ध्यान रखें, ऐसे आंसर जो होंगे पॉइंट फॉर्म को आप प्राथमिकता दें, मतलब लघुत्तरी प्रश्नों में आपको पॉइंट फॉर्म में उत्तर लिखना ही लिखना है, क्योंकि शब्द सीमा बहुत लिमिटेड है और 5-6 लाइन है, और आप अपना उत्तर बेहतर तभी दे सकते हैं जब आप पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे, तभी आप ज्यादा से ज्यादा चीजें लिख सकते हैं। एक और चीज ध्यान रखें, पॉइंट फॉर्म वहां पर तो 100% लिखें जहां पर आपसे कोई कारण पूछा है, किसी चीज का प्रभाव पूछा है, कोई सुझाव पूछे हैं। तो इनको पैराग्राफ में कभी ना लिखें, आप इन्हें लिखें सिर्फ और सिर्फ किसमें, पॉइंट फॉर्म में, ठीक। एक और चीज ध्यान रखें, क्योंकि अति जो लघुत्तरी प्रश्न है शब्द सीमा बहुत ज्यादा है नहीं, तो आपको एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखनी है, टू द पॉइंट बात करें, मतलब सीधे लिखना प्रारंभ करें, जो पूछा है उसकी भूमिका या निष्कर्ष बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको लघुत्तरी प्रश्नों में, क्योंकि इतनी सीमा है नहीं, शब्द सीमा आपके पास इतनी है नहीं
कि आप उसकी भूमिका बना रहे हैं। अगर भूमिका बनाने जैसा प्रश्न है तब जरूर बनाएगा, प्रश्न में ये मांग हो, लेकिन आप जब तक इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन नहीं दें, जब तक कि पूछा नहीं गया है, नहीं तो आप मेन बात को नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, फिर एक और चीज ध्यान रखें, चूंकि इसमें सीमित शब्द है तो लोग, पता है क्या टेंडेंसी होती है लोगों की, सीमित शब्द होने के कारण वो क्या सोचते हैं कि हम 5 लाइनों में छोटा छोटा लिखेंगे, बहुत ज्यादा लिख देंगे। ये टेंडेंसी बहुत गलत है। आपको सीमित शब्दों में ही मेनली किस पर फोकस करना है, ओनली क्वालिटी पर। आपको इस चीज पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है कि एक लाइन में मैं लिखता हूँ 7 शब्द तो अब मैं 12 शब्द लिख के लाऊंगा, ऐसा बिल्कुल गलती मत करना, आपकी कॉपी देखने में बहुत बेकार लगेगी। ठीक है, तो आपको करना ये है, मुख्य रूप से क्वालिटी पर ही ध्यान दें, ना कि मात्रा पर। जो लोग मात्रा पर ध्यान देंगे सोचेंगे 5-6 लाइन में मैं तो पूरा लिख दूंगा, 200 शब्द भी लिख दूंगा, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और ध्यान दें, अब ऐसा होगा कैसे, तो ये होगा शॉर्ट नोट से। अगर आप शॉर्ट नोट से तैयार कर लेंगे अपने, तो यकीन मानिए आप इन लघुतरी प्रश्नों को बहुत अच्छे ढंग से डील कर सकते हैं। सिर्फ ये खेल शॉर्ट नोट्स का है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलें, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, यही काम देंगे, क्योंकि शब्द सीमा बहुत कम है। फिर अगली चीज हम देखते हैं, क्या हमें लघुत्तरी प्रश्नों में पैराग्राफ में लिखना चाहिए, तो बिल्कुल लिखना चाहिए जहां पर कि प्रश्न की प्रकृति टोटली ऐसी है कि जहां पॉइंट में बेहतर रूप से प्रेजेंट नहीं कर सकती है, वहां पैराग्राफ में लिखें। लेकिन ध्यान रखें, पैराग्राफ मुश्किल से आपको बनाना है एक, ठीक है, प्रश्न की प्रकृति के अनुसार अगर आपको पैराग्राफ में लिखना पड़े तो सिर्फ एक पैराग्राफ ही बदलें बस, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस नहीं रहेगा 5-6 लाइन में, तो एक पैराग्राफ पर्याप्त होगा, 3-3 लाइन के बाद हम ये मान के चल सकते हो। लेकिन ध्यान रखें, ना तो प्रश्न में आपको जबरदस्ती पॉइंट घुसेड़ने हैं और ना ही प्रश्न में आपको जबरदस्ती पैराग्राफ घुसेड़ना है। नेचर होती है प्रश्न की, जब आप थ्योरी पढ़ेंगे और उत्तरों को लिखेंगे तब आप इस बात को बेहतर ढंग से जान जाएंगे। फिर एक और चीज ध्यान रखें, इस फॉर्मेट की तैयारी निर्देश के संभावित अर्थों के अनुसार ही करके जाएं, क्योंकि यहाँ आयोग कुछ भी प्रयोग आपके साथ ही कर सकता है। कहने का मतलब, ध्यान रखें, लगभग अति लघुत्तरी प्रश्नों का निश्चित है कि 3 लाइन ही मिलेंगी आपको, दीर्घ उत्तरी प्रश्नों का भी निश्चित है लगभग 2 पेज ही मिलेंगे, लेकिन इसका कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, मतलब हो सकता है आपको आधे आधे पेज में 2 प्रश्न लिखने पड़े, हो सकता है आपको एक ही पेज में 1 प्रश्न लिखना पड़े, मतलब आपके साथ जो भी एक्सपेरिमेंट आयोग करेगा वो इसी प्रकार के प्रश्नों में करेगा। तो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इस मोड पर, इस प्रकार के प्रश्नों पर दोनों ही तरह की होनी चाहिए, ध्यान रखना, नहीं तो वहां आप जाएंगे और आपको एक तरीके का आयोग सरप्राइज दे देगा। आप सोच के गए होंगे कि 1 पेज पर 2 प्रश्न लिखने हैं, उसने पता पड़ा 1 ही पेज पर 1 प्रश्न लिखवा लिया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी होगी। तो इस तरीके से हम डील करेंगे किससे, लघुत्तरी प्रश्नों से। अब हम देखते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्नों से कैसे डील करेंगे। तो आयोग ने इसके बारे में सिर्फ एक बात कही है कि 200 शब्दों में होंगे, क्या होंगे, ये जो उत्तर होगा वो 200 शब्दों में आपको लिखना होगा, 200 शब्दों में ये उत्तर आपको लिखने होंगे, बस ये बात आयोग ने कहा है और इसके अलावा कुछ नहीं कहा। इसका मतलब क्या हुआ, अब मतलब हम निकालेंगे सीधा सा ये कि लगभग इसके लिए 2 पेज मिलेंगे, क्योंकि पहले 300 नंबर का लिखवाते थे तो 3 पेज मिलते थे, अब 200 नंबर में लिखवा रहे हैं, 200 शब्दों में लिखवा रहे हैं तो 2 पेज शायद मिले, और हो सकता है कोई एक्सपेरिमेंट अगर कर लिया आयोग ने तो 3 पेज भी वो दे सकता है, लेकिन 2 पेज ही हम मानकर चले। ठीक है, क्योंकि पहले 300 शब्दों में आंसर लिखना होता था दीर्घ उत्तरी, तो उसके लिए आपको 3 पेज मिलते थे, 1, 2, 3। अब आपको ऐसे प्रश्नों में करना क्या है, तो ध्यान रखें, जो काम आप अति लघुत्तरी प्रश्नों में नहीं कर पाए, जो काम आप लघुत्तरी प्रश्नों में नहीं कर पाए वो सारा काम आप दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में कर सकते हैं। कहने का मतलब, ये प्रश्न है जो आपकी विस्तृत सोच को और विस्तृत तैयारी का परिचय जो है परीक्षक को करवाएंगे, जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा वो मुख्य रूप से ऐसे प्रश्नों से आपको जांच लेगा कि हाँ आपकी नॉलेज क्या है, क्योंकि वहां तो आप पर स्पेस है ही नहीं बहुत ज्यादा लिखने के लिए, तो पहली चीज ये, तो आपको जो भी लिखना है बहुत ज्यादा अगर लिखने की आप में क्षमता है तो उनमें एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा नहीं करें, बल्कि इनमें करें, इनमें पर्याप्त स्पेस है।
इन प्रश्नों में अगर आप भूमिका निष्कर्ष बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं, क्योंकि 200 शब्द है, भूमिका और निष्कर्ष लिखे जा सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखें इन प्रश्नों के उत्तर में आप पैराग्राफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, एक ही प्रश्न में पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रेखा चित्र, मानचित्र या चित्र का भी प्रयोग आप एक ही प्रश्न में कर सकते हैं, समझ रहे हैं। जबकि वहां पर ऐसा नहीं था, वहां पर आप एक ही चीज कर सकते थे, या तो पॉइंट में लिख लो या पैराग्राफ में लिख लो या चित्र बना लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप सारे वो काम कर सकते हैं जो आप करना चाह रहे थे, तो यहाँ पे करना भी चाहिए, क्योंकि प्रश्न की प्रकृति 200 शब्दों की है, 11 नंबर की है, तो 11 नंबर में से आपको मैक्सिमम नंबर तभी मिलेंगे जब आप इस बात को ध्यान रखेंगे। एक और चीज ध्यान रखें, अधिकांश ऐसे प्रश्न पूरे टॉपिक या दो टॉपिक्स को समाहित करके बनाए जाते रहे हैं। आप जानते होंगे कि ये जो प्रश्न होते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न, वो लगभग पूरे के पूरे टॉपिक से ही बनता है, और अगर एक टॉपिक से नहीं बनेगा तो दो टॉपिकों को कलेक्ट करके बनाया जाएगा, तो ये चीज ध्यान रखें। तो इसमें लगभग एक्सपेरिमेंट ये रहा है लोगों का, मतलब जो अनुभव है कि इसमें लोग फंसते नहीं है बहुत ज्यादा, या तो प्रश्न आपका बनेगा ही नहीं, और अगर बन गया तो फिर उसको आप लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि लगभग पूरे चैप्टर की सोच होती है वो इसमें पूछी जाती है, तो इसमें बहुत ज्यादा विशेष समस्या नहीं आती है, बस आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है ये चीज आपको समझनी होती है। अब देखिए, आपको मैंने सारी चीजें बता दी कि तीनों तरह के प्रश्नों को आपको कैसे डील करना है, लेकिन हकीकत ये है कि जब तक आप लिखेंगे नहीं, जब तक आप उत्तर लेखन नहीं करेंगे, तब तक ये बात आपके दिमाग में शामिल हो ही नहीं सकती है। आप ध्यान रखें, अगर आप सोचते हैं कि हमने सर की बात सुन ली और हम तो अब लिखना, मतलब लिख ही देंगे डायरेक्ट पेपर हॉल में जाके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको लगातार उत्तर लेखन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप बेहतर उत्तर लिख पाएंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, अन्यथा नहीं लिख पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो चीजें थी मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आपको अतिलोकोत्तरी प्रश्न, लघोत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्नों को डील करना सीखना है। अगर आप इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे और उत्तर लेखन करेंगे तो आप एक बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। हालांकि पहले दिन में ऐसा नहीं होता है, शुरुआत में आप सोचें कि बहुत अच्छा उत्तर लिखने, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन एक महीने के अंतराल के बाद आप समझ जाएंगे कि हमें अति लघोत्तरी प्रश्नों को, लघोत्तरी प्रश्नों को और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को किस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो ये सिर्फ ओनली प्रैक्टिस का खेल है, इसलिए आपको लगातार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। दोस्तों, मुझे जो बताना था बता दिया, अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और आंसर राइटिंग को लेकर मैं लगातार और भी वीडियो बनाऊंगा, और भी बातें हैं जो आपको लगातार बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। लगभग एमपीपीएससी मेंस की कोई ना कोई क्लास हम डेली लेंगे ही, ताकि आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, अपने आप में बेहतर रूप से बढ़ोतरी कर सकें, अपनी आंसर राइटिंग को, मेंस के लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते हुए चलें। तो अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी क्लास हमने कंप्लीट कर दी। स्ट्रीमिंग में थोड़ी गड़बड़ आ रही है, नेट की वजह से हो सकता है ऐसा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी बात सुनी होगी, और नहीं तो बाद में आप वीडियो देखना, क्वालिटी थोड़ी बेटर हो ही जाएगी।